बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट फाइव है। डाउ जे एस एम यू लम्स की यूसिन की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं और कुछ हमारी तरफ से गैसें इंशाल्लाह आप करेंगे तो यही एमसीक्यूज आपके आएंगे। बीएसएन का दें, डीपीटी का दें, फार्म डी या बैचलर इन मेडिकल टेक्नोलॉजी किसी का भी, सबके एमसीक्यूज सेम होते हैं। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं बता दूँ, सबके एमसीक्यूज सेम होते हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होता है, बस थोड़े बहुत वर्डिंग चेंज हो जाती है, बाकी आपके एम सी क्यू सेम ही आते हैं। बस इसी में से ही आपके इंशाल्लाह एम सी क्यू जाएंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, 12% ऑफ 50 वुड बी, 12% ऑफ 50, 12% ऑफ 50, 50 का हमने 12% निकालना है। देखिए 12% हम कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 100 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैं 12% को 12 इंटू 100 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इसका 50 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। चलिए ये देखिए, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या है, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, तो क्या आ रहा है, 6। 50 का 12% आपके पास क्या है, 6 आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ 3.4, पेपर जो मैंने आपको दिया हुआ है उस पर लिखा हुआ है 3.4 परसेंटेज कितना होगा, तो इसकी परसेंटेज हमें निकाला। हमेशा याद रखिए, जब भी आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दिया हो, 3.4 की आपको परसेंटेज निकाल लिए, 3.4 इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 25 ज़ा 50 हो जाएगा। आप 25 × 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 75। तो आपके पास 3.4 की परसेंटेज कितनी होगी, 75%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47.3 को आपने क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 47.3 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे पॉइंट में आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा पॉइंट में आएगा ना, तो उसको आपने 100 से क्या करना है, उसको डिवाइड करने हैं। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.473। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास लिखा हो 3.4, इसको आपने करना है डेसिमल सिस्टम में, तो इसको आप 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको अपॉन में दिया हुआ है, मतलब कि फ्रैक्शन में ये आपको दिया हुआ है। तो 3.4 को आप सिंपली क्या करेंगे, डिवीजन ऐसे कर लेंगे, 4 / 3, तो ये पॉइंट में ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे आंसर, तो इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे पॉइंट में ऐड, तो आपने क्या करना, उसको 100 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, इजी है, द कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। नेक्स्ट, टू मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, एक एलिफैटिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जाइमेस अ ग्रुप ऑफ डैश एंजाइम यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट। जाइमेस ये हमारे उससे आया, चैप्टर 9 से, हम जो मोलासेस यानी कि गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है उसमें था, जाइमेस एक ग्रुप ऑफ कितने एंजाइम का था, तो ये जाइमेस हमारे पास 14 एंजाइम का ग्रुप है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास यीस्ट में। अब यीस्ट हमारे पास क्या है, जो कि बेकरी में यूज होती है, यीस्ट हमारे पास एक फंजाई है, बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं, द क्रिस्टल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वेंडर वॉल्स इंटरैक्शन, वो क्रिस्टल जो हमारे पास वेंडर वॉल इंटरैक्शन से बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसमें हमारे पास एग्जांपल आयोडीन की एग्जांपल हमारे पास, और आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एग्जाम्पल है। उसके बाद पढ़ते हैं, कैटिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, कैटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कार्बन क्या है, लॉन्ग चेन्स बनाएगा और रिंग ऑफ कंपाउंड बनाएगा, जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, बाकी रिंग्स बना ले किसी भी कंपाउंड का, तो ये रिंग्स ऑफ एटम्स, तो ये हमारे पास कैटिनेशन प्रोसेस होता है कार्बन में। उसके बाद पढ़ते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर मोर विगरसली दैन लिथियम बिकॉज इट इज, सोडियम जो है वाटर से बहुत मतलब कि बहुत विगरसली, मतलब बहुत एक तरह से तेज़ रिएक्ट करता है। अगर आप के पास थोड़ा सा पानी है, आप उसमें सोडियम डालेगा तो सोडियम पानी में उछलेगा, मतलब पानी के अंदर आराम से नहीं जाएगा। इसका क्या रीज़न है, इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा तो नहीं होता, हमने देखा है ना, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ग्रुप में हमारे पास पहले क्या होता है, लीथियम सोडियम,
पहले लिथियम आता है, तो लिथियम हमारे पास, सोडियम हमारे पास नीचे है, सोडियम क्या है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट में इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये हो सकता है। और दूसरा पढ़े इज अ मेटल, ऐसी बात नहीं है, सोडियम भी मेटल है, लिथियम भी हमारे पास मेटल, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने एक चीज़ पढ़ी है, डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस हमारे पास क्या आते हैं, शेल्स बढ़ जाते हैं। जब शेल्स बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियर जो फोर्स, न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की उसकी जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही डाउन जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये हमारा एक ऑप्शन है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये वाटर से ज़्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, NaCl को ब्राइन भी कहा जाता है, विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड इन द प्रोसेस। क्लोरीन की मैन्युफैक्चर कमर्शियली होती है एक्वस सोडियम क्लोराइन से, तो ये हमारे पास एक कैसलर कार्नर प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरीन बनता है, उसमें हमारे पास क्या एक और दो तीन हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारे पास सोडियम भी बनता है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे बिल्कुल एक वो टप की तरह, एक आपके पास एक वो होता है, एक टप की तरह होता है जिसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा होता है और हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो रही होती है। सॉरी, ये है हमारा हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नहीं है, हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सबसे नीचे बॉटम में वो गिरता रहता है। उसके बाद पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रांसफरिंग ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए ये आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, आपने देखा होगा सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बिल्कुल इस तरह से बनते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ये क्या हो गया, ये इन दोनों के क्या है, क्या है ये इन दोनों के हेड है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, हेड है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये यहाँ पे क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम कार्बन है उसके यहाँ पे चलेंगे, कार्बन है आपका और उसके यहाँ पे ये ऐसे एक और एक ऐसे दो, तो ये क्या है आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये देखिए ये भी एक लाइन में, ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग, और ये हेड नहीं है, दोनों के हेड क्या है यहाँ पे, तो ये इनकी टेल्स मिल रही है, तो ये हेड ऑन पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास लिखे हैं, तो ये क्या बनेंगे आपके पास, पाई बॉन्ड बनेंगे, और हेड ऑन ओवरलैपिंग के पास क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा। और आ गया इसमें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये मैं ब्लैक से करता हूँ, ऑप्शन ए अल्फा, इसमें क्या है, इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। H2S हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यहाँ पे ये सल्फर होता है और दो हाइड्रोजन ऐसे हमारे पास लगे हुए होते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना इस तरह से ये, तो ये पहला और पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ा करते हैं, गैस विद बैड स्मेल, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हमारे पास गैस होती है और उसकी क्या होती है, एक बैड स्मेल होती है, स्मेल उसकी अजीब सी स्मेल होती है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही। तीसरा पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको मैं अगर ये दिखाऊं पीरियोडिक टेबल, देखिए आपके पास ऑक्सीजन क्या है ऊपर है, सल्फर क्या है नीचे है, तो आपके पास ये देखिए डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग पावर आपके पास इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूसिंग पावर आपके पास इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर क्यों है, देखिए वाटर में आपके पास जो OH बॉन्ड है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने एक चीज़ ये भी पढ़ी होगी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका एटॉमिक साइज क्या है, डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, तो इसी वजह से ये देखें ये आपका न्यूक्लियस है और ये जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा क्या नाम है, जैसे ये एक एग्जाम्पल दे दी, ये वाटर का देख लीजिए, वाटर में इतने शेल्स होंगे लेकिन उसमें H2S में थोड़े से शेल्स बढ़ जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस से और यहाँ तक की जो फोर्स होगी, न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक की ये जो फोर्स होगी ये क्या हो गई, ये हो जाएगी लेस हो जाएगी, ये फोर्स कम हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को
इजेक्ट करवाना, इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो उसी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2S, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वाटर से। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रोथ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, और इस वजह से इंक्रीज करती है क्योंकि हमारे पास एटम का साइज़ बढ़ जाता है, बॉन्ड जो ले बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतना होल्ड नहीं कर सकता। बाकी इसमें बात है, इसमें ज़्यादा करीब है तो होल्ड कर लेगा, इस वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन बढ़ते वीक बेस इन वाटर, तो यही हमारा ऑप्शन है क्योंकि ये हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर एक्ट करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल फॉल्स है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एंथैल्पी चेंज अकॉम्पेनिंग द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड। सबसे पहले ये याद रख लीजिए, गैसियस एटम होने चाहिए जब आपके पास, अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले प्रोसेस अगर आप करा रहे हैं तो इसमें आपके पास गैसियस एटम होना चाहिए। तो न्यूट्रल एटम है और नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अगर पॉजिटिव साइन आता तो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि उसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन आता मतलब कि हमने लूज़ किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ, वो टेंडेंसी एटम की कि वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, कि एक मोल ऑफ आयन को आप लोग उसको गैसेस एटम में जो कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास लैटिस एनर्जी कहलाती है। उसके बाद पढ़ते हैं द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस। प्लास्टर ऑफ पैरिस जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, हमारे पास जब किसी को हड्डी वगैरह जिसकी टूट जाती है, फ्रैक्चर होता है, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, तो वो उसका फार्मूला हमारे पास होता है CaSO4 और ये ब्रैकेट के बाहर 2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमोसफेयर और एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज। किसी भी मेटल का हार्मफुल या फिर अनडिज़ायरेबल रिएक्शन, यानी कि जो हमारी डिज़ायर नहीं थी, हम नहीं चाहते थे कि वो रिएक्शन हो, जब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करे, हवा से रिएक्ट करे, कुछ भी, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कोरोजन होती है मेटल की। जैसे स्टील हो, आयरन होता है, आयरन की कोरोजन देख लें, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। आयरन को हवा में छोड़ेंगे तो जंग लग जाएगा। आयरन एयर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बना देता है, तो वो रस्टिंग हो जाती है, उसको कोरोजन की एग्जांपल है हमारे पास। उसके बाद पढ़ते हैं द रेंज ऑफ पीएच बेलो डैश एंड अबव डैश ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट स्टेरिलिटी। अच्छा, अब फर्टिलाइजर है हमारे पास, सॉइल जो हमारी सॉइल है जिसमें हम पौधे वगैरह उगा रहे हैं, जो भी गंदम खाना अनाज जो भी उगा रहे हैं, तो उसमें जो उसकी जो पीएच है सॉइल की, वो हमारे पास बेलो 3 और अबव 10 होगी, तो वो उसकी रिप्रेजेंट करेगी स्टेरिलिटी, मतलब कि वो सॉइल आपके पास किसी यूज़ की नहीं है। इससे अगर बेलो 3 उसकी पीएच है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई और अबव 10 बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी, तो ये सॉइल आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, रेट दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के और ए और बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, बी स्क्वायर क्या है 2, 2+1, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3। उसके बाद पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमारे पास क्या है, मोल अपॉन DM³ × सेकेंड। आप यहाँ पे अपॉन नहीं दिया हुआ तो आप लोग सेकेंड ऑप्शन देखिए, मोल इंटू DM³ × DM³ इन्वर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है, अब अपॉन में है उसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो वो इन्वर्स में आ जाएगा इंटू सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज फॉर इचिंग ग्लासेस। आपने ग्लासेस पे देखा होंगे, शीशे के ग्लासेस वगैरह पे डिज़ाइन बने होते हैं, तो वो डिज़ाइन हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस की वजह से ये आपके पास डिज़ाइन बनते हैं HF, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद पढ़ते हैं हाइड्रोजन फॉर्म सॉल्ट हाइड्राइड विद द एलिमेंट ऑफ, हाइड्रोजन हमारे पास सॉल्ट हाइड्राइड यानी कि आयनिक हाइड्राइड बनाती है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A और 2A, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों से सॉल्ट हाइड्राइड्स बनाती है।
बाकी ग्रुप 3A to 7A से ही हमारे पास कौन से बनाती है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बाकी 8 है वो तो नोबल गैस है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। उसके बाद पढ़ते हैं थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड। थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कहलाता है यूनिट सेल। और अगर बात कर लें ये सेल पैरामीटर्स की, सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं, यूनिट सेल में जो डिस्टेंस होते हैं अल्फ़ा, उसके बाद बीटा, फिर ये गामा, अल्फ़ा से बीटा का डिस्टेंस, ये सारा हमारे पास सेल पैरामीटर या फिर सेल डायमेंशन इसको कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर इज़ सेट टू बी परमानेंटली हार्ड व्हेन इट कंटेन्स। अब हमारे पास दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंटली हार्डनेस और एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस। अब हमारे पास जो टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है वो हमारे पास प्रेजेंट किसकी प्रेजेंट की वजह होती है, हमारे पास बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर हमारे पास बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टेम्पोरेरी हार्डनेस। और इसको एक और नाम का नाम से बुलाया जाता है, वो हमारे पास क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस। अब यहाँ पे हमें परमानेंटली हार्डनेस पूछ रही है, तो परमानेंटली हार्डनेस हमारे पास किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, या तो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारे पास इसको परमानेंट हार्डनेस को हमारे पास क्या कहेंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हमने कहा था कार्बोनेट, और इसको क्या हम कहेंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैथोड रेज ट्रैवल इन डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम। कैथोड रेज हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रैवल करती हैं कैथोड से एनोड तक। पॉजिटिव हमारे पास कैथोड रेज निकलेंगी ना, तो हमारे पास नेगेटिव से निकलेंगी पॉजिटिव पे जाएंगी ना, तो कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगी। उसके बाद पढ़ते हैं इन SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। SN2 रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लोफाइल, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लोफाइल पे डिपेंड करता है। उसके बाद पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट। हमारे पास रॉक सॉल्ट का क्या है फॉर्मूला, रॉक सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रॉक से निकले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हैलाइड भी बोलते हैं, बाकी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये पेपर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा विथ PDF, और ये इसकी कीज़ है।